जय माँ काली। आप सब माँ काली को तो जानते ही होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे ये बहुत गुस्से वाली देवी हैं, बहुत विनाशकारी देवी, इनकी घर में पूजा नहीं करते। तो बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे कि माँ काली तो माँ हैं, ममता की मूर्ति हैं, उनके घर में क्यों ना पूजा करें। अब क्या सही क्या गलत, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, क्या आप भी हैं कन्फ्यूज्ड, तो ये वीडियो आपके लिए है। माँ, अब मैं इस बात में न्यूट्रल हूँ, दोनों तरफ हूँ। माँ काली ममता की मूर्ति भी हैं, माँ भी हैं, तो विनाशकारी भी हैं, दोनों ही इनका स्वरूप है। क्योंकि कहा जाता है सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। ये सृष्टि को उत्पन्न करती हैं तो पालन और संहार भी करती हैं। तो क्या करना चाहिए, माँ काली के अनेक स्वरूप है, कोई एक स्वरूप नहीं है, हजारों स्वरूप हैं। कोई भद्रकाली, गुह्यकाली, शमशानकाली, संत प्रथाकाली, ऐसे अनेकों स्वरूप हैं। और फिर आजकल तो मार्केट में कई अशास्त्रीय काली भी आ गई हैं। अब ऐसा नहीं कि हमेशा वो उग्र ही हैं, माँ काली माँ भी हैं, वो ममता के भी मूर्ति हैं, इसलिए हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, वो हमें मारेंगे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अशास्त्रीय काली और कोई भी काली को उठा के ले आएँ। हमें घर में दक्षिणा काली की पूजा करनी चाहिए। अब उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वो कृष्ण वर्ण है, अर्थात काली है, दिगंबरी है, हाथ में दाएं हाथ में ऊपर खड़ग, नीचे मुंड, और सॉरी बाएं हाथ में ऊपर खड़ग, नीचे मुंड, और दाएं हाथ में ऊपर वरद मुद्रा एवं अभय मुद्रा होता है। वे त्रिनेत्राएं, उनके लपलपाते जिह्वा बाहर निकली हुई है, वे मुक्त केशी हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, वह मुंड माला धारण करती हैं और अनेकानेक अलंकारों से सुशोभित हैं। ऐसी दक्षिणा काली, और हाँ उनके पैरों के नीचे शिव हैं, ऐसी दक्षिणा काली का हमें घर में पूजा करना चाहिए। और स्क्रीन पर जो आप जिन्हें देख रहे हैं ये दक्षिणेश्वर काली हैं, इनका आप घर में अवश्य पूजा कर सकते हैं, इसी प्रकार की काली का जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो इसी स्वरूप को पूजें। अब क्या नियम है क्या नहीं है वो बताऊँ मैं, सबसे सिंपल सबसे आसान और गृहस्थों के लिए बता रहा हूँ। जो माँ काली से डरते हैं उन्हें कह दूं कि माँ काली से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ वो समय आने पे वो विनाश करती है, लेकिन हर समय विनाश नहीं करती है, वो माँ है, ये भी याद रखना चाहिए। तो अब मैं गृहस्थों के लिए, जो माँ के भक्त हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बताता हूँ। पहले आप उन्हें घर में लाइए, उनकी मूर्ति या फ़ोटो, मूर्ति से ज़्यादा अच्छा है फ़ोटो, बिकॉज मूर्ति के बहुत से नियम हैं, अतः आप फ़ोटो को ही यूज़ करें। हाँ मैं बाद में किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि घर में मूर्ति लानी है तो उसका नियम क्या है, फ़िलहाल आज के लिए हम फ़ोटो के बारे में बताते हैं। घर में लाइए, हर भगवानों की तरह पंचोपचार से उनकी पूजा सेवा करिए, उन फ़ोटो को लाइए, उसे पोछिए, ठीक है स्नान तो करा नहीं सकते लेकिन पोछिए, उन्हें तिलक लगाइए चंदन और सिंदूर का, उन्हें उनके आगे धूप दीप जलाइए, नैवेद्य चढ़ाइए। अब नैवेद्य में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मिश्री, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, ये सब पंचमेवा उन्हें चढ़ा सकते हैं खाना, और आप चाहे तो अन्न का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे खीर, चावल, दाल, पूड़ी वगैरह, तो अन्न का भी भोग लगा सकते हैं और इन सब चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आरती करिए, बाकी आप कुछ पाठ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माँ काली का ध्यान मंत्र आप पढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह, और चाहे तो काली चालीसा भी पढ़ सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और माँ को आप सजाइए, संवारिए, उनको चुंदरी चढ़ाइए, उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, हाँ हर रोज़ के लिए नहीं, त्यौहार के लिए, अगर आपके घर में फूल उगता है तो आप फूल चढ़ाइए। इस तरह से आप माँ के नित्य सेवा और पूजा कर सकते हैं। जो माँ काली के भक्त हैं उन्हें हमेशा अपने हृदय में उन्हें धारण करना चाहिए। वो श्मशान वासिनी हैं, जिसका एक्चुअल अर्थ ये होगा कि अपने हृदय को शमशान बनाकर उसके अंदर एक चिता जलाकर उनकी स्थापना करना। अब ये कैसे होगा, शमशान ऐसा शमशान जिसके अंदर ऐसी चिता हो, और चिता में जो अग्नि होती है उसमें हमारे क्रोध, लोभ, मोह आदि जो विकार हैं वो जल जाएं, ऐसे शमशान में भगवती काली वास करती हैं, इस रूप का चिंतन करना होगा। वो हमारे हृदय में वास करती हैं, वे कण कण में वास करती हैं। अगर कोई कहता है कि माँ काली को घर में नहीं रख सकते हैं तो उन महाशयों से कहना चाहिए कि तुम्हारे घर के दीवार में भी काली है। इसलिए टिप्पणी करने से अच्छा है शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान लें, ठीक है। तो ऐसा तो एकदम सिंपल, आपको बस उनकी नित्य सेवा पूजा, जैसे हम हर हर भगवान का कैसे करते हैं, और बाकी सबको पता ही है, प्रथम पूज्य पहले सबसे गणेश जी का पूजा करना है, उसके बाद माँ काली का पूजा करिए, जैसे हर भगवान का करते हैं।
और माँ काली के भक्तों को मैं यही कहना चाहूँगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे दिन हर समय उनका चिंतन करिए, उनके नाम का जप करिए। नाम जप से बढ़कर कोई जप नहीं है। आप चाहे तो स्तोत्र मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप नाम जाप करिए, क्योंकि नाम जाप से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। कलयुग में नाम जाप तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें किसी भी रूप से, भगवान की किसी रूप से डरना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि माँ केवल ममता की मूर्ति हैं। अपने कुछ स्वरूपों में, फॉर एग्जाम्पल श्मशान काली को आप घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप दक्षिणा काली को घर में रखिए, कृष्ण काली को घर में रखिए। और हाँ, दक्षिणा काली में भी अब आजकल कुछ कुछ दक्षिणा काली ऐसी भी आ रही हैं कि एकदम वैसा स्वरूप तो है लेकिन एकदम क्रोधित हैं, तो उग्र रूप नहीं, सौम्य रूप, जहाँ पे वो मुस्कुरा रही है, क्योंकि आपको क्यों ही उग्र रूप को पूजा सेवा करनी है। और बाकी अगर आपको ज़्यादा वाम मार्ग में जाना है और बृहद करना है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप गुरु की खोज में जाइए, शाक्त समुदाय में आप दीक्षा लीजिए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि आपके घर में फूल खिलते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे घर में गुड़हल का फूल खिलता है, जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस, बंगाली में जौबा आदि आदि नाम है उसके, कोई उसको ओढ़ूल कहता है। अगर आपके घर में वो है तो वो माँ काली का सबसे प्रिय है, उन्हें बहुत चढ़ाया जाता है, वो आप उन्हें चढ़ाइए। और अगर वो पुष्प नहीं भी है, आपके पास घर में जो भी पुष्प अवेलेबल है वो सब आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारे पुष्प तो उन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं। और मन में ये भाव रखिए कि हम आपको क्या देने वाले हैं, सब तो आप ही हमें देती हैं, हम आपको क्या दें। वो सृष्टि को उत्पन्न करती है, पालन करती है और संहार करती हैं, उन्हें हम क्या दें। फिर भी हम जो उन्हें चढ़ाते हैं, श्रद्धा भाव से चढ़ाएं, इसी भाव से चढ़ाएं। आपके पास जो भी हो, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, जो आपका मन है वो चढ़ाइए भोग में। और उसके बाद आप विधिवत माता की आरती करिए। हाँ, आप एक नियम याद रखिएगा, आप बस थोड़ा शुद्धाचार्य का पालन करिए, जहाँ पे आप भगवती को रखते हैं उसको स्वच्छ रखिए, और नहाने के बाद आप पूजा करिए। हाँ, यदि आप दो टाइम पूजा करते हैं शाम को भी, तो अपने हाथ पैर को धोकर नए दूसरे वस्त्र धारण करके, फॉर एग्जांपल आजकल नाइट सूट पहनते हैं ना रात में सोने से पहले कपड़े बदल के, तो उसी प्रकार आप दो कपड़ा रखिए, एक तो हम जो पूरा दिन पहनते हैं वो, प्लस शाम को आप और कपड़ा बदल के पूजा करिए। इस प्रकार से आप भगवती की पूजा करिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, दिल में, हृदय में प्रेम रखिए, हृदय में प्रेम, स्वच्छता का ध्यान और नित्य माता की प्रेम पूर्वक सेवा। कुछ नहीं होगा, बस सौम्य रूप, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हंसते खेल के लाती हैं, मुस्कान युक्त, और हाथ वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, अर्थात वरदान देते हुए और अभय देते हुए जो दाएं हाथ में रहेगा, और बाएं हाथ में खड़ग और कटा हुआ मुंड, ऐसे रूप को आप अवश्य पूजें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, माँ से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। एक और चीज़ मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा, आजकल यूट्यूब में तरह तरह की साधनाएं आ रही हैं, मंत्र आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप कभी भी भूल से भी किसी भी साधना को करने मत जाना, जब तक आपके पास गुरु ना हो तब तक आप क्या बोलते हैं, साधनाएं मत करिए, ठीक है। और अंत में आपको हम दिखाएंगे कि अशास्त्रीय काली कैसी हैं। तो ये तीन बहुत ही प्रचलित भगवती काली के तीन अशास्त्रीय फ़ोटोज़ हैं, और जिन्हें हमें नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं है। और यदि हम तंत्र शास्त्रों के अगर मूल भाव को, मूल अर्थ को समझें, तो यदि हम अशास्त्रीय फ़ोटो की पूजा करते हैं तो हमें तो उसका कोई फल होता ही नहीं है, उल्टा और पाप लग जाता है। चाहे राजा को जो है राज्य के द्रोही हो जाते हैं, वैश्य का धंधा चौपट, शूद्र के हाथ कट जाते हैं, और ब्राह्मण का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो हमें कभी अशास्त्रीय काली का पूजा नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र में वर्णित है दक्षिणा काली के उसी स्वरूप को पूजा करना चाहिए, जैसा कि हमने अभी बताया है। तो आशा करते हैं आप सबके लिए इतना काफ़ी होगा, आप सब समझ गए होंगे। तो मिलते हैं, और हाँ, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, देवी गीता पे भी जल्द ही वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ काली।